तो कैसे हैं आप सब? चलिए दोस्तों, आज एक फिर से एक हाइबल पावर बैंक का प्रॉब्लम जो रेगुलर होती है, इसका यूएसबी प्रॉब्लम, जैक प्रॉब्लम। आइए दोस्तों इसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, ये पावर ऑन है पर हमारा फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, चार्जर ये वर्क नहीं कर रहा है, पावर बैंक का सप्लाई। ये देखिए दोस्तों, आइए दोस्तों हम इस हाइबल 10,000 mAh पावर बैंक को ठीक करते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम खोल लेते हैं, हमारा पावर बैंक को, और इसका प्रॉब्लम जानते हैं। हमारा बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है। तो इसी तरह का आइए दोस्तों ठीक करते हैं अपना पावर बैंक, और चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे पावर को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले खोल लेते हैं, कुछ इस तरह से चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों, जैसे हमारे पावर बैंक पे कोई डिफेक्ट ना पड़े। ये देखिए दोस्तों, हमारा पावर बैंक ओपन हो चुका है, और ये हमारा यूएसबी फीमेल पोर्ट्स। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैटरी, और ये है हमारा यूएसबी फीमेल पोर्ट्स। दोस्तों ये हमारे फीमेल पोर्ट में जैक, ये जो यूएसबी जैक है ये लूज हो गया है, इसका स्क्रू हम लोग खोल लेते हैं। और इसका बैटरी हम निकाल लेते हैं, थोड़ा चिपका हुआ रहेगा दोस्तों अच्छे से, जैसे कि हम लोग का वायर छूट ना जाए। देखिए दोस्तों, 10,000 mAh की बैटरी, मेड इन चाइना का ब्रांड है। ये देखिए दोस्तों 10,000 mAh। ये देखिए दोस्तों हमारा चार्जर पोर्ट एंड यूएसबी फीमेल पोर्ट्स। ये देखिए दोस्तों, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन बहुत माइक्रो सा छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, जो ये वर्क नहीं कर रहा है, जिससे ये हमारा जैक्स। ये देखिए दोस्तों, हम इसे होल्डिंग कर लेते हैं अच्छा से, जैसे हमारा वायर मजबूत हो जाए। दोनों तरफ बारीकी बारीकी से हम लोग होल्डिंग कर लेंगे, जैसे हम लोग को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग अपना ये देखिए दोस्तों, होल्डिंग से बारीकी दोनों तरफ हम लोग होल्डिंग कर लिए हैं, जो हम लोग का लूज लगता था लोग अपना सॉल्टिंग कर चुके हैं दोस्तों। ये पूरी तरह से सॉल्टिंग हो चुका है हमारा पावर बैंक। अब दोस्तों जिस प्रकार से पहले ये फिट हुआ था, उसी प्रकार से हम लोग इसे फिट कर लेंगे दोस्तों। और लगाते समय कृपया अपना पावर बैंक फिर से ट्राई कर लीजिएगा फ़ोन से, आपका पावर बैंक वर्क कर रहा है या नहीं। फिर से दोनों का स्क्रू लगा लेते हैं,
ये देखिए दोस्तों, हम अपना स्क्रू लगा चुके हैं और इसी को चिपका देते हैं जिस तरह ये पहले था। अब हमारा पावर बैंक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आइए अब इसे ट्राई करते हैं हमारे सैमसंग ग्रू म्यूजिक 2 का स्मॉल फोन में। ये हमारा जैक यूएसबी, ये देखिए दोस्तों, हमने अपना जैक लगा दिया है। अभी ये पूरी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों, आप लोग सीन कर सकते हैं। हमारा पावर बैंक कंप्लीट बन चुका है दोस्तों। इसी तरह के वीडियो हम आते रहेंगे। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रमोट कीजिए।